नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और कमोडिटी बाजार में तेजी जारी है, इसी कारण निवेशकों का रुझान भी इस ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस तेजी में कहां और कब निवेश करें, बाजार के टेक्निकल्स और ट्रेंड्स कैसे पहचाने, स्ट्रेटजीज कैसे बनाएं और आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी और कमोडिटी की क्या रेशियो होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान, कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह। नीलेश जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए। एक तो नई सरकार बन रही है, आप कमोडिटीज और एग्री को लेकर किस तरह के रिफॉर्म्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि बाजार को लगता है कि एग्री एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक सब्जेक्ट रहने वाला है। रूरल इंडिया, फार्मर वेलफेयर और जिस तरह की मिशंस यहाँ पर स्टार्ट की गई हैं, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर इम्पोर्टेंस आती हुई? एक हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे हमारी ग्रोथ और एक्सेलरेट हो, इंक्लूसिव हो और साथ साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो नेदरलैंड जैसा एक छोटा सा देश बहुत बड़ा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करता है बाय फोकसिंग अपॉन हॉर्टिकल्चर एंड स्टफ लाइक दैट। कैसे हम वो सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे पाम ऑयल है, ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट्स है, जिसे हम इम्पोर्ट करते हैं, वो हम इंडिया में ग्रो कर पाए। दूसरा, जो हम ग्रो कर रहे हैं उसे किस तरह से मैनेज करें, कोल्ड स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करके। तीसरा, उनकी प्राइस डिस्कवरी के लिए कैसे हम मार्केट मैकेनिज्म करें ताकि इंटरमीडियरीज फायदा नहीं उठाए। एंड फाइनली, कैसे हम एक्सपोर्ट हाउस बने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम सऊदी अरेबिया से फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम कर सकते हैं? आप हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, आपकी फूड सिक्योरिटी सिक्योर होगी और आप हमें ऑयल दीजिए ताकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी सिक्योर हो। तो इस प्रकार के कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हमारी ग्रोथ एक्सेलरेटेड हो, इंक्लूसिव हो और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो। जी हाँ, ऑफकोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि इंक्लूसिविटी यहाँ पर किस तौर पर लेके आई जाती है। और जैसे आपने कहा, एक रोड मैप की ज़रूरत है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है और एक टाइम लाइन्स परहैप्स यहाँ पर बनाने की भी ज़रूरत है। ये तो बात हुई एग्रीकल्चर की, लेकिन नीलेश जी अगर ओवरऑल मेटल्स यहाँ पर देखें तो अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर है, ऑल टाइम हाईज से मल्टी ईयर हाईज हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। इंडिया के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं इस मेटल के प्राइस राइज को? मेटल्स में मनीषा जी एक अलग प्रकार के ट्रेंड दिखने को मिल रहे हैं। एनर्जी प्राइसेस डिस्पाइट ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अपहीवल, वो काफी हद तक संतुलित रहे हैं, $80 के आसपास रहे हैं। लेकिन कुछ मेटल अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहे हैं और काफी ऊपर गए हैं। यह डिमांड सप्लाई की वजह से कम हुआ है, लेकिन चाइना काफी मेटल की स्टोरेज कर रहा है, एक्विजिशन कर रहा है, उस वजह से हुआ है। नाउ उनकी डिमांड, कंजम्पशन डिमांड कम और इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्यादा लगती है। जब तक चाइनीज बाइंग चालू रहेगी, मेटल प्राइसेस सपोर्टेड रहेंगे, बट जब उनकी इन्वेस्टमेंट डिमांड खत्म होगी, उनके वेयर हाउसेस भर जाएंगे, तब डेफिनेटली मेटल प्राइसेस में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। हमें अपने इकोनॉमी के लिए मेटल सप्लाई सिक्योर करना जरूरी है। नाउ हमारे यहाँ पे कोयले के रिजर्व्स काफी है, बट फिर भी सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर का कोयला इंपोर्ट करते हैं बिकॉज हम लोग माइनिंग में उतनी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं जितनी देनी चाहिए। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम एक अच्छी माइनिंग पॉलिसी बनाएं। और यहाँ पे उड़ीसा एक मॉडल स्टेट है, उन्होंने माइनिंग रॉयल्टी के जरिए आज रेवेन्यू सरप्लस परिस्थिति पैदा की है। माइनिंग रॉयल्टी के पैसे से निवेश करके उन्होंने अपने राज्य की इकोनॉमी को एक गति प्रदान की है। तो हम उड़ीसा मॉडल को कॉपी कर सकते हैं माइनिंग में, ताकि लोकल रिसोर्सेस से हमारी सिक्योरिटी बनी रहे।
नीलेश जी, आपने सही कहा कि एक तरफ यहाँ पर मेटल्स देखना होगा ताकि हमारे पास सिक्योर यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, और दूसरी तरफ आपने कोयले की बात करी। एनर्जी रिफॉर्म्स भी एक चीज़ है जो माना जा रहा है कि सरकार अब यहाँ पर इसे देखेगी। एक तरफ तो क्रूड ऑयल है जहाँ पर डिमांड अच्छी खासी है, माना जा रहा है इंडिया आगे भी यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड देखेगा, और दूसरी तरफ ऑफकोर्स हम यहाँ पर रिन्यूएबल्स में इन्वेस्टमेंट आता हुआ देख रहे हैं। तो जो ओवरऑल एनर्जी रिफॉर्म्स है, यहाँ पर किस तरह की प्रोग्रेस आप बनता हुआ देखेंगे? एनर्जी में मनीषा जी, आज अलग अलग प्रकार के अपॉर्चुनिटीज है। एक बात तय है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से जो फॉसिल फ्यूल है उनका कंजम्पशन कम होता जाएगा, एंड हमारी अगर एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी देखे तो वो भी पिछले दशकों में कम हुई है। साथ साथ हमारा फोकस जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, चाहे सोलर हो, चाहे विंड हो, हाइड्रो हो, वह हमें एक ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है। हमें दुनिया से ये अर्ज करनी चाहिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने पर कैपिटा कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा किया है, उन्हें अहम भूमिका निभानी चाहिए इस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में, चाहे वो टेक्नोलॉजी प्रदान करे, चाहे कैपिटल ग्रांट प्रदान करे, जैसे रेफ्रिजरेशन, ओजन डिप्लीटिंग रेफ्रिजरेशन गैसेस के लिए हुई थी, वैसे ही वह टेक्नोलॉजी और ग्रांट प्रदान करके हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को, हमारी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को ग्रीन बना सकते हैं। साथ साथ हमें नई उभरती टेक्नोलॉजी पे ध्यान रखना पड़ेगा। कहते हैं कैलिफोर्निया में न्यूक्लियर फिशन के थ्रू उन्होंने एक सूर्य तैयार किया है, जितनी एनर्जी वो लेता है उससे ज्यादा एनर्जी वो बनाता है। इस प्रकार की नई उभरती टेक्नोलॉजी पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि जो टेक्नोलॉजी एनर्जी कॉस्ट कम कर दे, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो, उसमें हमारी भी हिस्सेदारी बनी रहे। जी हाँ, ऑफ कोर्स, यहाँ पर नए नए एग्जांपल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, और जैसे आपने कहा काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हैं जो यहाँ पर सरकार को देखने होंगे। अब पूरे तौर पर अगर यहाँ पर कमोडिटी बाजार की बात करें तो पिछले 8 से 12 महीने में जो ये कमोडिटी रन हमने आता हुआ देखा है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। जैसे आपने कहा कुछ बहुत मुनाफा वसूली किसी सेक्टर्स में यहाँ पर आ सकती है, लेकिन जो ये एक बहुत बड़ी कमोडिटी स्ट्रक्चरल बुल रन की हम बात करते हैं, क्या आप उसे फॉर्म होता हुआ देख रहे हैं? एक कमोडिटीज की साइकिल प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। आप कुछ हद तक डिमांड सप्लाई का अंदाजा लगा सकते हैं, बट कब जियोपॉलिटिकल रिस्क आके सप्लाई को डिसरप्ट कर दे, कब चाइना जैसा कंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए मेटल स्टॉक्स अक्यूमुलेट करना चालू करे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ज्यादातर प्लेयर जो इन्वेस्टमेंट के लिए खेलते हैं वो डिसइंफॉर्मेशन की मुहिम भी चलाते हैं, जब बेचना है तो खरीदने की बात करते हैं, खरीदते हैं तो बेचने की बात करते हैं। निवेश के रूप में हमने हमेशा ये कोशिश की है कि ऐसी कमोडिटीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में निवेश करें जिसकी लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो। सबसे सक्षम होगा तो सबसे में घायल होगा, एंड तब तक होपफुली जो मार्जिनल प्लेयर है वो अपनी फैक्ट्री बंद कर देंगे, सप्लाई कम होगा, कमोडिटी प्राइसेस बॉटम हो जाएगी। दूसरा, हमने ध्यान रखा है कि ऐसे कमोडिटीज कंपनी में निवेश करें जिसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ी कम हो। साइकिल टर्न अराउंड होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा मिलेगा, अपने आप प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होगी। नाउ हर बार इस प्रकार के ऑप्शंस मिलना मुश्किल है, तो हम कमोडिटीज में काफी सिलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट करते हैं। कई बार अपसाइड का मौका भी खो देते हैं, बट डाउनसाइड भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जी हाँ, एब्सोल्युटली, आई एम अज्यूमिंग कि वो सभी सेक्टर्स में ऐसा होता होगा, लेकिन कमोडिटीज जैसे आपने कहा, जी हाँ, पूरा आंकलन करना यहाँ पर कभी कभी मुश्किल है। लेकिन बात अभी हम यहाँ पर सोने की करते हैं, और इस साल में ऑल टाइम हाईज हमने बनते हुए देखे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, भारतीय बाजारों में भी। तो आप सोने को बतौर कमोडिटी एक तो कैसे देखते हैं, और पोर्टफोलियो में सोने की क्या स्थिति होनी चाहिए, कैसे इसे खरीदें, किस टर्म के हिसाब से इसे लें? अगर हम डॉलर प्राइस ऑफ गोल्ड को देखें तो वहां पे $1,800 से $2,400 की एक जर्नी देखी है। उसका मेन कारण है कि सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड आज गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। तकरीबन सालाना 1,000 टन से ज्यादा सोना सेंट्रल बैंक की रिजर्व्स में जा रहा है, जिससे
जिस तरह से रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फ्रीज हुए थे, उसके तहत दुनिया भर के सेंट्रल बैंक आज गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। दूसरी एक चीज जो हिस्टोरिकली हमने देखी है, जब भी यूएस में ब्याज की दरें कटती है, गोल्ड को एक बढ़ावा मिलता है। इस बार भी 2024 अंत में या 2025 की शुरुआत में यूएस फेड ब्याज की दरें काटेगा वैसा लगता है। सेंट्रल बैंक की गोल्ड बाइंग और एक्सपेक्टेड कटौती इन यूएस फेड रेट, ये दोनों मिला के गोल्ड सिल्वर इन प्रेशियस मेटल को सपोर्ट करता रहेगा। हमें लगता है कि जब आप रूपी गोल्ड में निवेश करते हैं तो ऑब्वियसली आपको डॉलर गोल्ड की बढ़त का फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखिए, भारत में तकरीबन 15% इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी और अदर चार्जेस मिला के 18% टैक्स इंसिडेंस बन जाता है। आज नहीं तो कल अगर ये टैक्स कम हुआ तो रूपी गोल्ड प्राइस में उस प्रकार की गिरावट दिख सकती है। सब्जेक्ट टू इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन गोल्ड इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एंड हमें लगता है अगर आप 3-5 साल का व्यू ले तो गोल्ड एंड सिल्वर शुड आउटपरफॉर्म फिक्स्ड इनकम फ्रॉम अ रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल राइट, ऑफ कोर्स सोना तो यहाँ पर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया ही है, लेकिन अगर हम चांदी उठा के देखें तो मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर हमने चांदी को, सोने को आउट परफॉर्म करते हुए देखा है। जैसे आपने कहा, सोना चांदी होना चाहिए पोर्टफोलियो में और डेट को इसने आउट परफॉर्म भी किया है। तो जहाँ तक भारतीय बाजारों की बात है, ऑफकोर्स सोने के लिए तो यहाँ पर काफ़ी सारे विकल्प हैं, लेकिन चांदी में निवेश करना कोई चाहे, और इस साल चांदी में सभी लोग बुलिश हैं, तो यहाँ पर निवेश की सबसे बेहतरीन रणनीति आपके लिहाज से कहाँ है? सो गोल्ड में तो आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है जो सबसे बढ़िया निवेश करने का साधन है। उसके बाद गोल्ड फंड ऑफ फंड या गोल्ड ईटीएफ भी है, और अंत में फिजिकल गोल्ड भी अवेलेबल है। सिल्वर में सिल्वर ईटीएफ एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड है, और फिर फिजिकल सिल्वर है। बट कंपेयर टू गोल्ड, सिल्वर काफी बल्की होता है तो स्टोर करने में काफी दिक्कतें आ सकती है। तो मेरी निवेशकों से यही गुजारिश होगी कि आप सिल्वर ETF एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड को भी ध्यान दीजिए। उसमें आपको सिल्वर होल्ड करने की, स्टोर करने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। जो लोग फिजिकल खरीदते हैं नीलेश जी, वो तो खरीदते ही रहेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोने में जाना चाहते हैं, रिटर्न्स लेना चाहते हैं, वो ऑफ कोर्स इन सब चीजों को यहाँ पर देखेंगे। अब ओवरऑल अगर पोर्टफोलियोज यहाँ पर देखें तो भारत में सोने और चांदी के निवेश को लेकर अभी भी हम काफी पीछे हैं। ऑफकोर्स जो रिटेल फिजिकल बाइंग है वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की ETF बाइंग होती है एंड फंड बाइंग है, गोल्ड माइन बाइंग भी यहाँ पर लोग करते हैं, वो इंडिया काफी हद तक उसको वो अवेलेबल नहीं है। आप कैसे देखते हैं करंट प्रोडक्ट्स सोने और चांदी में जो फिलहाल हैं? डेफिनेटली मनीषा जी, एंड मेरे हिसाब से डायरेक्ट मेटल ओन करने से ज्यादा मेटल स्टॉक्स में निवेश करने का मौका लेना चाहिए। ऑब्वियसली मेटल कंपनीज या मेटल स्टॉक लिवरेज्ड रिटर्न देते हैं कंपेयर टू कमोडिटी प्राइस। जब कमोडिटी ऊपर जाती है तो स्टॉक्स और ज्यादा ऊपर जाते हैं, एंड जब कमोडिटी गिरती है तो स्टॉक्स और ज्यादा गिरते हैं। बट जब आपके पास चॉइस लिमिटेड है तो अच्छी मेटल कंपनी में निवेश करके आप मेटल साइकिल को प्ले कर सकते हैं। वह आपको लिवरेज रिटर्न देता है, ऑब्वियसली एट अ हायर रिस्क। नीलेश जी, क्लियरली जैसे आप कह रहे हैं कि कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए कमोडिटी कंपनीज यहां पर उठाई जा सकती हैं, तो ठीक है, मेटल कंपनीज ले सकते हैं। अगर आप गोल्ड देख रहे हैं तो आप ज्वेलरी कंपनीज देख सकते हैं, लेकिन आपको क्या अभी भी ये लगता है कि इंडियन इन्वेस्टर जो है, अगर वो कोई कमोडिटी कंपनी ले रहा है, फिर चाहे वो शुगर कंपनी है, रबर देखना है तो टायर कंपनी है, मेटल देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज देख रहे हैं, तो उस तरह की कंपनीज भी यहाँ पर हैं, क्या जो अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है इंडियन निवेशक की कमोडिटी के लिहाज से, वो अभी भी थोड़ी सीमित है? अनडाउटेबली मनीषा जी, एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। हमने कमोडिटी साइकिल में इतनी बार गलती की है, पैसा गंवाया है, कि अब हम बहुत कॉशियसली खेलते हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क, क्लाइमेट चेंज और इन्वेस्टमेंट डिमांड सप्लाई इंपैक्टिंग प्राइसेस, ये सारी चीजों को बहुत मुश्किल होता है एस्टिमेट करना, एनालाइज करना, और इसीलिए हमने ये सोचा है कि चलो अपसाइड पार्टिसिपेट नहीं करें,
बट कम से कम डाउनसाइड तो प्रोटेक्ट कर ले। तो मेटल क्षेत्र में निवेश करते समय लोएस्ट कॉस्ट मेटल प्रोड्यूसर और जिसमें हाई ऑपरेटिंग लिवरेज हो ड्यू टू लिमिटेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, उस प्रकार के स्टॉक में हम निवेश करना पसंद करते हैं। ओके नीलेश जी, बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है। जब लौटेंगे तो और भी बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए कमोडिटी रिलेटेड यहाँ पर, इस छोटे से ब्रेक के बाद। कमोडिटीज की बात हो रही है और अगर ओवरऑल इकोनॉमी की बात भी यहाँ पर की जाए तो ऑफकोर्स हम 5 ट्रिलियन ऑन बियॉन्ड इकोनॉमी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आप उठा के देख लें, सभी का मानना है कि ये ग्रोथ तो हम आता हुआ देखेंगे लेकिन जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है वो शायद इंडिया से ज़्यादा आती हुई नजर आएगी। तो जब हम भारत की यहाँ पर बात करें, कमोडिटी की खपत को, कंजम्पशन को आप कैसे देखते हैं आगे जाते हुए? अगर हम इंडिया को देखें तो वहां पे काफी सब सेगमेंट है। एक इंडिया है जो रईस है, शायद उनकी लाइफस्टाइल डेवलप वर्ल्ड के आसपास है, वहां पे लग्जरी प्रोडक्ट का कंजम्पशन ज्यादा रहेगा। एक इंडिया एस्पिरेशनल इंडिया है, उनकी पर कैपिटा जीडीपी एक डेवलपिंग नेशन के आसपास होगी, वहां पे फोकस रोटी कपड़ा मकान से आगे जाते हुए ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर उस तरफ होगा, वहां पे भी वैल्यू फॉर मनी ब्रांड की एक ख्वाहिश होगी। और एक बहुत बड़ा इंडिया है जो आज भी सब सहारन अफ्रीका लेवल पे एक लो इनकम डेवलपिंग कंट्री पे जी रहा है, वहां पे आज भी फोकस रोटी कपड़ा मकान के ऊपर होगा। ऑब्वियसली हम लोगों को सब सहारन अफ्रीका लेवल से मिडिल इनकम की तरफ और मिडिल इनकम से टॉप लेवल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जब आप कंजम्पशन के लिए निवेश करें तो एक बात याद रखिए कि भारत में तीनों सब सेगमेंट है, रिच, मिडिल इनकम एंड पुअर, एंड आप उस कंपनी में निवेश करिए जो एक पर्टिकुलर ट्रेंड के ऊपर फोकस कर रहा है। एक जमाना था जब हम लोग सब थिएटर्स में मूवी देखने जाते थे, वहां पे फैसिलिटी अलग अलग प्रकार की थी। आज धीरे धीरे करके एंटरटेनमेंट आइदर ओटीटी पे पहुंच गया या मल्टीप्लेक्स थिएटर पे पहुंच गया। तो इस प्रकार का जो एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, अगर उसको आप कैप्चर कर सके और निवेश करें तो कंजम्पशन के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। पिछले 1.5-2 साल से कंजम्पशन स्टॉक्स ने कोई खास रिटर्न दिया नहीं है। हमें लगता है अच्छे मानसून की वजह से अब रूरल कंजम्पशन को एक बढ़ावा मिलेगा और कंजम्पशन क्षेत्र में सिलेक्टिव बेसिस पे निवेश करने का अब शायद अच्छा मौका है। ऑलराइट, तो वो जेम्स हैं कि आप कहाँ पर निवेश कर सकते हैं आगे जाते हुए। पर नीलेश जी, इलेक्शंस इंडिया में तो हो चुके हैं लेकिन अभी भी काफ़ी सारी कंट्रीज के इलेक्शन बाकी हैं। यूएस के चुनाव पर तो ऑफकोर्स यहाँ पर ज़्यादा नज़र रहेगी मार्केट्स की, साथ ही साथ जो ये डी डॉलराइजेशन का मुद्दा है और उसका असर हमने कमोडिटीज़ पर भी आता हुआ देखा है। काफ़ी सारे लोग अपनी करेंसीज़ की बात कर रहे हैं, एक पूरा प्रोटेक्शनिज्म की तरफ हम जाते हुए नज़र आ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन से थोड़ा दूर, और सोना ऑफकोर्स इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग भूमिका यहाँ पर अपना रहा है। ओवरऑल कमोडिटीज पे कैसा असर देखते हैं आप चुनाव का, डी डॉलराइजेशन का, और 2024 के लिए अब आप कौन सी थीम सेट करके चल रहे हैं? मनीषा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरी जो ग्लोबल सिचुएशन है वो काफी तेजी से बदल रही है। एक जमाना था जब ग्लोबलाइजेशन वॉज द थीम, आज प्रोटेक्शनिज्म इज द थीम। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, डू लोकल मैन्युफैक्चरिंग इज बिकमिंग द थीम इवन इन द वर्ल्ड्स मोस्ट ओपन कंट्री। दूसरा एक जमाना था जब फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बहुत सारे डेवलप वर्ल्ड में काफी इजी रही थी। अब इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी भी धीरे धीरे टाइट हो रही है। ये बदलते हुए ग्लोबल सिनारियो में ऑब्वियसली भारत को अपनी पहचान, अपना एक स्थान लेना है। हमारे इकोनॉमी में ट्रेड का काफी महत्व है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का भी काफी महत्व है। जब तक हम अपने कॉम्पिटिटर से, अपने पीयर्स से अच्छा प्रदर्शन करेंगे तब तक वो कैपिटल हमारे पास आता रहेगा। हमने तकरीबन प्रति साल निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है, बट बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट ऐसे हैं
जहां पे पिछले 5-5, 10-10, 15-15 सालों से निवेशक को कोई रिटर्न नहीं मिला है। इसीलिए आज हमारी वैल्यूएशन दूसरे देशों के सामने बहुत आगे है। हम ब्राजील, साउथ अफ्रीका से दुगने से ज्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, चाइना से 3 गुना वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, रशिया से 8 गुना वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। तो ये जो उच्च वैल्यूएशन हमें मिला है, वह हमारे ऊपर अधिक जवाबदारी लादता है। हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ औरों से अच्छी रखनी पड़ेगी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ औरों से अच्छी रखनी पड़ेगी, और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स भी औरों से अच्छा रखना पड़ेगा, ताकि ग्लोबल कैपिटल हमारी तरफ आता रहे। जी हाँ, वो काफ़ी वैलिड पॉइंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर बढ़ती नज़र आ रही हैं आगे जाते हुए। एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा नीलेश जी, और वो ये है कि अब हम नए नए निवेशकों को यहाँ पर बाजार में आता हुआ देख रहे हैं, यंगर जनरेशन अब यहाँ पर मार्केट्स में आ रही है, जो शायद एक क्विक बक यहाँ पर भी चाहती है। जिस तरह के कारोबार हम करते हैं, जिस तरह की ट्रेड अब हम यहाँ पर करते हैं, उसके तरीके भी यहाँ पर बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कहेंगे जो युवा का कारोबार करने का तरीका है, या इन्वेस्ट या ट्रेड करने का तरीका है, वो पुरानी पीढ़ी के तरीकों से थोड़ा सा अलग है, और क्या मार्केट अब इन सबको यहाँ पर समेट कर आगे चलने के लिए तैयार है? मनीषा जी, इंडियन सेविंग्स तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, बट निवेश के मामले में हम कमजोर हैं। आपने कहा लोग इक्विटी में ज्यादा निवेश करते हैं, बट वह सिर्फ एक ग्रुप के लिए है। 4.5 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हैं, तकरीबन 10 करोड़ लोगों के पास डीमैट अकाउंट होगा, बट यह ओवरऑल पॉपुलेशन का बहुत छोटा सा हिस्सा है। आरबीआई के डेटा के अनुसार FY 21 से 23 के बीच में फाइनेंशियल फ्लो फ्रॉम हाउसहोल्ड तकरीबन 4 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड में था और 1.5 लाख करोड़ इक्विटी में था। उसके सामने 9 लाख करोड़ रुपया दुगने से दुगने के आसपास सिर्फ करेंसी नोट में रखा था। मुझे लगता है आज भी कई लोग ये बिलीव करते हैं कि अगर आप करेंसी नोट घर पे रखें तो दुगनी हो जाएगी। किसी ने आज तक ये देखा नहीं है, बट विश्वास लोगों का है, तभी तो लोगों ने 9 लाख करोड़ रुपए करेंसी नोट में लगाया है और सिर्फ 4 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड में आया, 1.5 लाख करोड़ डायरेक्ट इक्विटी में आया। इनफैक्ट हमारी जो सोने की होल्डिंग है, वह हमारी इक्विटी होल्डिंग के सामने कई गुना ज्यादा है। तो हमें एक अच्छे निवेशक बनना जरूरी है। सेबी ने इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए कई प्रोग्राम उठाए हैं, उस वजह से प्री कोविड से अभी तक में इन्वेस्टरों की संख्या दुगने से ज्यादा हो गई है। इसकी लीड यंग जनरेशन ले रहा है, वह टेक्नोलॉजी और डिजिटल एज का पूरा सदुपयोग करके सही तरीके से, अच्छी तरीके से निवेश करना सीख रहा है। हम उम्मीद यही करेंगे कि धीरे धीरे करके इनकी ट्राइब बढ़ती रहे और लोग सही तरीके से निवेश करना सीख लें, जैसे आज वो सेविंग्स कर रहे हैं। ऑल राइट, वो काफ़ी वैलिड पॉइंट है नीलेश जी, कि जिस तरह से लोग यहाँ पर बचत कर रहे हैं, उस तरह से अगर इन्वेस्ट करना सीख लें तो क्या ही बात है। और आपकी वो बात बहुत सही है कि जो नई ट्राइब है, उसे मालूम है कैसे इन्वेस्ट करना है। वो नंबर्स ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं, और रेगुलेटर्स का सपोर्ट भी यहाँ पर बाजार की तरफ है, तो काफ़ी सारे विकल्प हैं जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। और क्लियरली, जैसे नीलेश जी ने कहा, काफ़ी सारी अब मदद भी यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया नीलेश जी आज हमारे साथ यहाँ पर समय निकालने के लिए, और पूरे ओवरऑल यहाँ पर थीम्स पर चर्चा करने के लिए, और ऑफकोर्स कमोडिटी में आप कैसे कारोबार करें वो भी हमें समझाने के लिए। और आपको बता दें कि अगर आप कमोडिटी बाजार में दिलचस्पी रखते हैं और उसमें कारोबार करना चाहते हैं, तो सीएनबीसी आवाज आपके लिए कमोडिटी गुरुकुल के नाम से एक अनोखी पहल लेकर आया है। 22 जून को होने वाले इस लाइव वेबिनार में देश और दुनिया के कमोडिटी बाजार के लीडर्स आपको मार्केट की हर छोटी बड़ी बारीकियों को सिखाएंगे। बाजार के टेक्निकल